नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित पीपलधारी शिव हनुमान मंदिर के पीछे की गेट को खोलने को लेकर थाने परिसर में एक और जहां स्थानीय लोगों की बैठक DCLR रविंद्र घाघरा और DSP टू कमल किशोर की उपस्थिति में चल रही थी, वहीं कुछ शरारती तत्व थाने के बाहर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर थाना परिसर से बाहर कर दिया। घटना रविवार देर रात की है। हंगामा करने वाले बेवजह मामले को तूल देने का प्रयास कर रहे थे। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित पीपलधारी शिव हनुमान मंदिर कमेटी ने मंदिर के पीछे की गेट खोलने का निर्णय लिया था, जिसका विरोध दूसरे पक्ष ने किया, जिसके बाद मामला कदमा थाने पर पहुंचा। मामले को सुलझाने के लिए मुख्यालय 2 के DSP कमल किशोर और DCLR रविंद्र गगराई की उपस्थिति में दोनों पक्ष की बैठक चल रही थी। इस बीच विरोधी पक्ष के कुछ लोग थाना पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिन्हें समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद सभी को खदेड़ दिया गया। वहीं थाना परिसर की बैठक में यह तय हुआ कि मंदिर के पीछे का दरवाज़ा विशेष परिस्थिति में ही पूजा पाठ में खोला जाए। इसके अलावा मंदिर का गेट बंद रहेगा, जिस पर लिखित रूप से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाई गई। फिर पूरा भारी पब्लिक होगा। मामला ये शास्त्री नगर में जो मंदिर का एक गेट बनने का जो प्रस्ताव था, उस चीज को लेकर के वहीं के स्थानीय लोगों का, दूसरे समुदाय के लोगों का आपत्ति था कि ये गेट नहीं खोलना चाहिए। तो इसी बात पे, इसी बिंदु पे थाना में दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर सहमति बनी कि ये सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा और काली पूजा के अवसर पर ही ये पिछला गेट खुलेगा और अन्य किसी दूसरे अवसर पर ये गेट नहीं खुलेगा। और जैसे इमरजेंसी के समय में उस गेट को खोला जाए कि नहीं, इस पर बनी है सहमति? वही इमरजेंसी, वही निर्माण कार्य को लेकर। हाँ, निर्माण कार्य एक दो भी है, इसको लेके कुछ थाना परिसर में कुछ धक्का मुक्की भी की गई थी क्या? नहीं ऐसा, अंत में कुछ ऐसा निर्णय इसके अलावा कुछ ऐसा बस इन्हीं 2-3 बिंदु पे निर्णय हुआ था। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।